हे गाइस, कैसा हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। विधि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और सबको प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप सबने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, ऐसे प्यार देते रहना। और अपना जो वीडियो है, वीक में दो दो वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे ज़रूर, और शॉर्ट वीडियो भी आते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो आज की जो स्टोरी है, ये एक नए कपल की स्टोरी है। तो दोस्तों, ये जो कपल है उनकी शादी हुई है, और ये जो कपल है वो घूमने के लिए महाबलेश्वर जाने के लिए निकलते हैं घर से। और जब वो घर से निकलते हैं, उनके पास प्राइवेट खुद की कार रहती है, और वो कार लेके महाबलेश्वर निकलते हैं, रात को निकलते हैं, मतलब सुबह तक महाबलेश्वर पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जो कपल है, बातचीत करते करते रास्ता उनका कट रहा था। तो वो जो कपल है, उनको चाय पीने का मतलब बहुत चस्का था। तो उन्होंने सोचा, चलो एक टपरी देख के वहाँ पे खड़े रहते हैं और चाय पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि उनको नींद भी आने की स्टार्ट हुई थी। और चाय पीने के बाद आपको तो पता है, नींद उड़ जाती है। तो ये सोच के वो लोग रास्ते से ही जा रहे थे, तो वो यहाँ वहाँ देख रहे थे कहीं चाय की टपरी दिखाई दे और वो लोग चाय पी। तो उन्होंने एक जन का मतलब वो जो लेडीज़ थे, उसकी नज़र रोड के लेफ्ट साइड पे गई, और उन्होंने देखा वहाँ पे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। तो वो बोली, देखो वहाँ पे चाय की टपरी, चलो वहाँ पे जाके हम चाय पीते हैं। तो वो जो बंदा था वो बोला, ठीक है चलो। फिर वो लोग चाय की टपरी के पास जाते हैं और आवाज़ देते हैं। तो वहाँ पे दो लेडीज़ थी, मतलब लेडीज़ मतलब बहुत वृद्ध थी। तो वो आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको? तो ये बोले, हमें चाय चाहिए। तो वो उनको मस्त कड़क चाय बना के देते हैं, और ये दोनों कपल चाय पीते हैं। फिर उनकी मतलब माजी से बातचीत तो होती है। तो वो बोल रही थी माजी कि कहाँ जा रहे हो आप? तो ये कपल बोले, हम अभी हमारी शादी हुई है और हम घूमने के लिए जा रहे हैं महाबलेश्वर। तो वो जो वृद्ध महिला थी वो बोली, क्या रोड है ना, वहाँ से आप जाओ तो आप महाबलेश्वर जल्दी पहुँचोगे। यहाँ से शॉर्टकट है, बहुत ही बड़ा वाला शॉर्टकट है। तो वो जो कपल थे बोले, ठीक है। उन्होंने गूगल में देखा, पर वहाँ पे मतलब कोई शॉर्टकट दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पे मतलब शो नहीं कर रहा था कि ये शॉर्टकट है या वो। तो वो जो वो कपल के बीच में दोनों ने डिस्कस किया, वो बोलने लगा जो वो जो उनका पति था, वो बोलने लगा कि यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्टकट तो शो नहीं कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम जो हाईवे है वहाँ से ही जाते हैं। तो वो लेडीज़ बोली, ऑलरेडी हम थक गए हैं, जल्दी पहुँचेंगे, चलो जाते हैं यहाँ से, ट्राई तो करते हैं। फिर वो दोनों की बातचीत होती है, फिर वो तैयार हो जाते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं हम जाते हैं, और चाय वगैरह पीते हैं, पैसे देते हैं और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। तो वो कम से कम 1.5-2 घंटे तक उन्होंने वहाँ से मतलब वो कच्चा रोड से निकले ना, तो 2 घंटे तक उन्होंने गाड़ी चलाई, पर आगे मतलब रोड ही नहीं आ रहे। तो वो भी चौंक गए, क्योंकि रात का अंधेरा था, वहाँ पे कोई घर नहीं है कि किसी से पूछे, और फ़ोन में नेटवर्क नहीं था पहली बात। तो वो कंटिन्यू गाड़ी चला रहा है, आजू बाजू झाड़ी, बीच में से रोड, पूरा अंधेरा। तो वो भी बेचारा डरने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर आगे जाके ना उनको एक टपरी दिखाई देती है, और जैसे आगे जाते हैं तो वो देख के वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वही टपरी वापस। फिर उन्होंने सोचा, चलो उतरते हैं, देखते हैं क्या है। फिर वो लोग उतरते हैं और वो टपरी के पास जाते हैं, तो वही माँ जी, दोनों जो वृद्ध महिला थी ना माँ जी, वही बाहर आती है और बोलती है, अभी तक आप गए नहीं? तो वो बोलने लगा, माँ जी आपने बोला तब से घंटे हुआ, अभी तक हमें आगे रास्ता ही नहीं मिला। तो वो दोनों बहुत ही गंदी स्माइल देने लगे, मतलब बहुत ही गंदी तरह से हंसने लगे, और बोला, यहाँ से हम चाय पी के जैसे गए हैं ना, वैसे मतलब हमें कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो महिला ने दिखाया कि ये चाय,
तो उन्होंने ना वो जो तपेला था ना वो ऐसे गिरा के दिखाया, तो वो चाय नहीं थी, पूरा खून था। और ये सब देख के वो बंदा वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। और वो जो एक महिला थी, मतलब वाइफ थी उनकी, वो रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर उसको उठाने की कोशिश करती है, वो भी उठ नहीं रहा। और वो जो दो महिला थी लेडीज, वो जोर जोर से हंसने लगी, उनकी आंखें ना पूरी लाल लाल हो गई थी। ये सब देख के वो बहुत ही डर गए और तुरंत जाके पानी की बोतल लाई कार में से और उसके मुंह पे छिड़का, तब उसको होश आया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि गाड़ी में जाके बैठते, और निकलते ही नहीं है, सुबह होते हुए सुबह होगी तभी कार से हम निकलेंगे, वैसे निकलते ही नहीं है, अंदर ही बैठे रहते। और वो लोग भाग के कार में बैठे और फिर कार के जो विंडो दरवाजा सब लॉक कर दिया उन्होंने, और अंदर ही बैठे। और सामने मतलब स्टेयरिंग के सामने सब मूर्ति रखते, गणपति बापा के रखते, कोई बजरंग बली के रखते, तो उनका सतत उन्होंने मतलब जाप करना चालू किया कि भगवान मुझे इस जो अभी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूँ, और सतत भगवान का नाम लेने का चालू हुआ। और पूरी रात उन्होंने वही कार में बैठ के निकाली। और जैसे मतलब सुबह 6 बजे जैसे हुए तब वो लोग कार से उतरे, तो वहाँ पे जब उतरे और देखा ना, तो वहाँ पे कोई टपरी नहीं था, का कुछ नहीं था, कुछ मतलब वहाँ पे रात को उन्हें टपरी देखी, वैसा कुछ नहीं था, सब गायब हो गया था। और उनकी नज़र नीचे के साइड गई तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा शमशान भूमि था। और ये सब देख के वो बहुत ही डर गए और जैसे तैसे वहाँ से कार निकल के महाबलेश्वर पहुँचे। और दोनों को इतना डर गए थे ना, तो दोनों को बहुत ही बुखार था, 2-3 दिन बहुत ही बुखार रहा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि रात के समय पे कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना नहीं है, अगर जाओ तो कहीं पे भी रुकना नहीं है। ये सोच के अभी भी वो ये सब सोचते हैं ना तो बहुत ही डर जाते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कुछ होगा ना तो आप थोड़ा अवॉइड करते रहो और थोड़ा अलर्ट रहने का। तो कोई नहीं, ये थी आज की स्टोरी। चलो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।